हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आप सभी का दीप टैक यूट्यूब चैनल में। गाइज, आपको इस चैनल पर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेगी, तो अभी से दीप टैक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो गाइज़, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी दिनों के बाद, लगभग एक महीना हो चुका है जब मैंने वीडियो डाली थी लास्ट वाली। तो गाइज़, यहाँ पे कुछ मतलब प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से मैं वीडियो डालने में मतलब थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ। तो फिर भी मैं आपके लिए आज एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी आप सभी के लिए और यूजफुल काफ़ी ज़्यादा होगी गाइज़, क्योंकि ये इस वाली वीडियो से आपका जो इंटरनेट है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज होगा। और इस सेटिंग को कैसे करना है ये हम चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा में। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो APN सेटिंग होगी ये हर एक नेटवर्क पे काम करेगी, वो चाहे जियो का हो, वी का हो, या फिर BSNL या एयरटेल। वी से मतलब है मेरे गाइस वोडाफोन आइडिया, क्योंकि आपको पता तो होगा ही कि दोनों कंपनियों का कंबाइंड अब एक बॉन्ड हो चुका है, और बॉन्ड होने के बाद इन्होंने अपने नाम में भी थोड़ा चेंज किया है, और दोनों ने अपने अपने जो फर्स्ट लेटर है उनको ले करके एक नाम बनाया है वी। तो उससे एक अलग ही सिम बनेगा वी के नाम से, वोडाफोन आइडिया के नाम से। तो गाइस ये हर एक सिम के लिए आपको काम करेगा। तो मैं सिम फर्स्ट में इस वाले सेटिंग को करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि गाइस सिम फर्स्ट में मेरा इंटरनेट इस टाइम एक्टिव है। तो यहाँ पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे ही सिम फर्स्ट में जाओगे तो आपको एक्सेस पॉइंट नेम ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट APN से छेड़खानी नहीं करनी है। आपके पास कोई भी सिम हो, डिफ़ॉल्ट APN को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और एक न्यू APN बनाना है। उसके लिए गए सबसे पहले आपको नेम में लिखना है नेट प्राइम 4G। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद आपको नेक्स्ट आएगा APN। APN में अगर आपके पास जियो है तो आप जो भी नेट यूज करते हो, जो भी सिम यूज करते हो, उसका APN, एक पर्टिकुलर APN नेम होता है, उसी को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो जियो वाले यहाँ पे जियो नेट लिख लेंगे, एयरटेल वाले एयरटेल GPRS, वोडाफोन आइडिया वाले यहाँ पे आप देख सकते हो, वोडाफोन वाले तो vodafone.net, और गाइज आइडिया वाले लिखेंगे इंटरनेट, BSNL.net, और बचता कौन सा है गाइज Airtel GPRS.com, ये यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसके बाद प्रॉक्सी पोर्ट नो सेट रहेगा। यूजर नेम पे आते हैं तो यूजर नेम में आपको यहाँ पे लिखना है net.prime, ये आपको यहाँ पे लिखना है और ओके करना है। ओके करने के बाद नेक्स्ट आएगा पासवर्ड नो सेट। सर्वर पे आपको गूगल का सर्वर देना है, जो कि सबसे यूजफुल सर्वर होता है हर एक नेटवर्क के लिए, google.com, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे गाइज MMSC, MMS प्रोक्सी, MMS पोर्ट, MCC, MNC, ये सब नो आई मीन जो है वैसे के वैसे के, सॉरी गाइज MMSC और MMS प्रोक्सी, MMS पोर्ट, ये तो आपके तीनों नो सेट रहेगी। MCC, MNC आपका एक कोड है, ये विदाउट चेंज रहेगा, आई मीन आपको इनमें कोई भी चेंज नहीं करना है। ऑथेंटिकेशन टाइप भी आपका नो सेट ही रहेगा। APN टाइप में गाइज ये भी आपका नो सेट रहेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नो सेट। तो नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट APN प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपको IPv4/IPv6 पे क्लिक करना है। APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी आपको IPv4/IPv6 पे क्लिक करना है। इसके बाद गाइज लास्ट आता है बेगार, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे इसको बताने से पहले मैं आपको ये MVNO टाइप जो है इसके बारे में बता देता हूँ। ये आपको यहाँ पे नॉन पे रखना है, या तो इसको नॉन पे रखिएगा, अगर ये नो सेट है तो नो सेट ही रहने दीजिएगा। तो BRR में आते हैं, तो BRR में सबसे पहले आपको मिलेगा अनस्पेसिफाइड बाय टिक, उसको वहाँ से अनटिक करना है। अनटिक करने के बाद जितने भी BRR आपको शो होते हैं, चाहे वो एक दो ज़्यादा हो इस वीडियो के अलग, अगर आपके डिवाइस में दो तीन ज़्यादा है या एक ज़्यादा है, सब के सब सेलेक्ट कर लीजिएगा गाइज। और कुछ डिवाइस ऐसी है जिनमें एक ही सेलेक्ट होता है, तो वो ओनली LTE को सेलेक्ट कर लीजिएगा। बैक आइएगा, इस APN सेटिंग को सेव करिएगा। सेव करने के बाद जैसे ही आपको यहाँ पे APN सेटिंग शो हो जाती है तो आप इस पर टिक कीजिएगा। तो टिक करने के दौरान आपका जो इंटरनेट है वो चला जाएगा और कुछ ही सेकेंड या मिनट के बाद आ जाएगा। तो आने के बाद आपको सबसे पहले एक काम करना है, अपने डिवाइस को रिबूट करना है, रिबूट या स्विच ऑफ करके ऑन करना है, तभी आपको अच्छा बेहतर नेटवर्क स्पीड देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ, तब तक सी यू लेटर।